तो हेलो साथियों, नमस्कार। मैं पंकज डुंगरियाल स्वागत करता हूं आपका पहाड़ी मंच ब्रेकिंग है में। और दोस्तों, मैं अच्छा हूं और आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना काल अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और एकदम से अब फिर से बहुत सारे देशों में एकदम से केसेस बहुत ज़्यादा आने लग गए। तो अनुमान लगाया जा रहा है जिस तरीके से भारत में भी कि तीसरी वेव यहाँ आ सकती है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है तो जाइए वैक्सीन लगाइए, और जिन्होंने लगा दी है वो भी अभी परहेज करें, क्योंकि एकदम से वो वैक्सीन भी कितनी सफल है क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि साथियों, जितना मेरा अनुमान है, जब मुझे पहली वैक्सीन लगी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी हुए हैं, जैसे बदन टूटना, हल्का फुल्का सर दर्द। तो अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी दिक्कत, लगा भी रहे तो भी दिक्कत हो रही है। और अभी मैंने देखा था कि बहुत सारे जैसे जो जॉब वाले हैं, अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है तो आप लोग कंपनियों में नहीं आ सकते, ऐसा कुछ है। और अभी एक न्यूज़ में और पढ़ रहा था कि अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है तो किसी एग्ज़ाम में आप लोग नहीं बैठ सकते। तो मतलब एक प्रकार से भारत सरकार ने वैक्सीन कंपलसरी कर दी है, तो जाइए आप लोग भी लगाइए। और आज मेरा है सेकेंड डोज़, क्योंकि 3 महीने पूरे हो गए हैं, अब हम आज सेकेंड डोज लगाने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सेकेंड डोज की तरफ, हमारा यहाँ पर कीर्तनगर में जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे लग रही है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हम लोग किरनर मार्केट से होते हुए जाएंगे, छोटा सा मार्केट यहाँ का, तो वो भी आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया जाएगा। उसके अलावा छोटे छोटे काम हैं वो भी आप लोगों को दिखाए जाएंगे यहाँ पे क्या क्या है। आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है तो आप लोग भी लगाइए, और अगर परहेज कर सकते हैं तो परहेज करिए। और मेरे पे तो आज लगने वाली है कोविशील्ड की सेकेंड डोज, तो दवाई भी कढ़ाई भी, और चलिए हमारे साथ वैक्सीन लगाने। तो ये रहा मेरा चेतक, अब हम इसमें जाने वाले हैं वैक्सीन लगाने। बैठना चाहेगा आप में से कोई पीछे तो मेरे साथ चल सकता है। घर से हम निकल पड़े हैं, तो अब हम लोग इस गलियों से होते हुए मेन रोड की ओर जाएंगे जो किरनर बाज़ार को इस रास्ते से जोड़ती है, और फिर बाज़ार की चहल पहल को देखते हुए हम लोग पहुंचेंगे वैक्सीन लगाने। अब हम लोग पहुंच गए हैं मुख्य रोड में जो किरनर बाज़ार की ओर हमें ले जा रही है। साथियों, रास्ते में बहुत सारे सरकारी दफ्तर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक है। किरनर एक ब्लॉक है, तहसील है, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप लोगों को मैं दिखा सकूँगा, लेकिन उसको मैं कभी एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगा और उस ब्लॉग में सारी यहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाएगी और आप लोगों का इस शहर का जो है नज़ारा दिखाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं वैक्सीन लगाने CSC किरनर की ओर। अरे भाई, घोड़ा भी ऑन आ गया, पूरी रोड ची घेरी यार, साइड भी नहीं होना। साथियों, नगर पंचायत किरनर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग मुख्य बाज़ार में पहुंच गए और यहाँ छोटी छोटी दुकानें बहुत सारी है, बहुत सारे गांवों का ये मुख्य बाज़ार है और यहाँ सारी चीज़ें मिलती है। भले ही छोटा बाज़ार है लेकिन सब सामान हमको यहाँ मिल जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर यहाँ किरनर बाज़ार आइए और घूमिए कभी। फिलहाल तो अभी हम लोग वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, लेकिन ज़रूर मैं एक दिन आप लोगों को यहाँ के सारे दुकानदारों से मिलवाने वाला हूँ, जहाँ हमारी ज़रूरत की सामान जो हमें है वो मिल जाता है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का होता है। साथियों, ये रहा किरनगर थाना, यहाँ सारी चीज़ें है, थाना यहाँ, तहसील यहाँ, ब्लॉक यहाँ, कोर्ट यहाँ, और पशु हॉस्पिटल यहाँ, इसके साथ साथ यहाँ इंटर कॉलेज, वन विभाग, जल विभाग, बिजली विभाग, सारे विभाग यहाँ। तो ज़रूर आप लोगों को सब कुछ एक दिन दिखाया जाएगा।
फिलहाल हम लोग अभी हॉस्पिटल के मुख्य गेट पे पहुंच गए। यहाँ का किरनार हॉस्पिटल हम लोग पहुंच चुके हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनार टिहरी गढ़वाल। तो यहाँ हमें सेकंड डोज लगेगी। चलते हैं अंदर और देखते हैं कितनी भीड़ है, कौन सा नंबर हमारा आता है, क्योंकि नंबर के हिसाब से यहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है। काफ़ी दिक्कत हो रहे हैं लोग। हिमांशु क्यों बैठ जानू? हाँ मैम, वैक्सीन सेकंड डोज। नाम बताओ। पंकज सिंह। पंकज? हाँ जी। जाखणी कितना? उमर। उमर 26। सेकेंड डोज। कोविड शील्ड है ना? और कौन सा नंबर ज़्यादा मैम? पता नहीं, ऊपर जाकर पता करो। ओके 29 नंबर है। साथियों, ये हॉस्पिटल पहले काफ़ी छोटा था तो और यहाँ ज़्यादा सुविधाएं होती भी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ काफ़ी अच्छी सुविधाएं हो गई है समय के साथ साथ। नंबर और लोग भी नंबरों पे लगे हैं, तो हम भी अपनी बारी का इंतज़ार कर लेते हैं। मैम लेफ्ट वाले हाथ पे लगाने हैं। हाँ, इस वाले पे। साथ मेरे पे तो लग गई है, अब मेरा साथी बैठा है वहाँ, तो ले जाता हूँ आपको उसकी ओर, देखते हैं उसको। इस काउंटर पर वैक्सीन लगाने वाले हर किसी को पैरासीटामोल दी जा रही है। तो बैठना आधा घंटा। ओके सर, थैंक यू। सेकेंड डोज हम पे लग चुकी है और साथ में मिली है पैरासीटामोल, ताकि कोई बुखार आए तो इसको खा के ठीक हो जाएगा। अभी तो पता तक नहीं चला कि कब इंजेक्शन लगा, लेकिन यह है कि पता है कि ज़रूर बुखार आएगा रात को। तो अभी यहाँ पे वेट करने के लिए कहा गया है, ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, तुरंत कोई चक्कर वगैरह, तो इसलिए लोग भी वेट कर रहे हैं, तो हम लोग भी थोड़ा वेट कर लेते हैं। हमारी तो सेकंड डोज कंप्लीट हो गई है, तो आप लोग भी वैक्सीन लगाएं और दवाई भी और कढ़ाई भी। देखिए सभी लोग वैक्सीन लगाने के बाद वेट कर रहे हैं। हाय हाय हाय। तो साथियों, अब काफ़ी यहाँ पे 15-20 मिनट बैठने के बाद अब हम लोग घरों को जा रहे हैं। भले ही जहाँ पे वैक्सीन लगी वहाँ पे थोड़ा पेन तो हो रहा है, लेकिन चल लेगा इतना बस, बाकी कुछ और ज़्यादा बुखार वगैरह नहीं आना चाहिए। तो अब मिलते हैं आपको मार्केट में। मार्केट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। और आते ही आप लोग देखोगे मार्केट में कर्मचारी कुछ हड़ताल पे, इनकी भी कुछ मांगी होगी। और साथियों, ये रहा यहाँ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ठीक इसी के बगल में टिहरी जिला सहकारी बैंक, तो दोनों बैंक ये साथ में है। तो आज तो बैंक बंद है क्योंकि सेकेंड सैटरडे आज है, लेकिन मेरा काम एटीएम में, तो ले जाता हूँ आपको एटीएम की ओर। काफ़ी लाइन लगी है अभी, पाँचवा छठा नंबर मेरा, वेट करना पड़ेगा तब तक। आप लोग यहाँ का ये बस मार्केट है यहाँ का। तो साथियों, एटीएम से पैसे निकल गए हैं और मम्मी कल एक ज्वेलर से ज्वेलरी लाई थी, 200 रुपये लेने थे, तो अब मैं उसी ज्वेलर्स ही और आपको ये रहा यहाँ पे अभी ज्वेलर्स यहाँ पर जाऊँगा, उनके जो कल के रुपये है वो देने वाला हूँ। ये मार्केट कितना है मार्केट। अंकल जी नमस्ते। अंकल जी कल के रुपये देने रहते थे। हाँ जी, ठीक अंकल जी। ये मार्केट देखिए आप लोग, और यहाँ पे ये मिरर भी है भाई, मुझे देख लो आप मिरर में।
हाँ जी थैंक यू। हाँ जी फिर मिलेंगे। तो साथियों यहाँ का काम भी निपट गया है, अब मैं आप लोगों को ले जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस की तरफ। किन्नर में पोस्ट ऑफिस भी है, पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना वाली जो आरडी है उसको मुझे जमा करना है। ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे आज यहाँ पे भी लाइन लगी है। शिमला जी सैनिया जी बड़ा हाँ जी बढ़िया भाई जी दिन खिम्बे अजमेर हाँ वाप ही कर दें जमा। सामने दोस्तों ये रहा चौहान गारमेंट्स और यहाँ का ये मार्केट छोटा सा है लेकिन सारी चीज़ें यहाँ है भाई। तो हम निकलते हैं यहाँ से। अब साथियों पोस्ट ऑफिस का काम भी लगभग हो गया है, अब मैं आप लोगों को यहाँ का जो किन्नर का जो मेन पुल है हमारा ये है नया पुल और हम लोग पहुँच गए हैं राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश बद्रीनाथ वाला रूट और ये नए पुल से होते हुए अलकनंदा नदी के तट पर बसा ये किन्नर शहर बाइक में सेल्फ जो है वो काम कर पा रहे हैं। सेल्फ देख दो यार। हाँ मैं था भाई नया लगाना पड़ेगा, लगा दो ठीक। हाँ हाँ साथियों इस तरीके से हमने आज अपनी कोविशील्ड की सेकेंड डोज लगाई और उसी के साथ अपने मार्केट के छोटे मोटे काम किए जिसे हमने आप लोगों को दिखाया यहाँ का मार्केट किन्नर का छोटा सा मार्केट। और फिर मिलेंगे आपको कुछ और के साथ, तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद जय भारत।